ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही राम सेतु के ऑफिशियल टीजर के रिव्यू में मैंने इसका उल्लेख किया कि किस प्रकार से पहले जो राम सेतु के कुछ पोस्टर रिलीज किए गए थे उनमें पोस्टर पर ही मिथ और रियलिटी ये लिखा हुआ था। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था राम सेतु के ऊपर कि मिथ और रियलिटी। इसके हमने कई बार आलोचना की, कई सारे अलग अलग वीडियोज़ में हमने इस पर चर्चा की थी, इसकी आलोचना की थी। तो उसका परिणाम आज हमने देखा कि जब इसका आज पोस्टर रिलीज़ किया गया, टीज़र रिलीज़ किया गया, तो उसमें कहीं पर भी मिथ और रियलिटी ये एक क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न चिन्ह हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। तो हाँ, किस प्रकार से आप हम जो बात करते हैं सोशल मीडिया पर, वो बातें फिल्म मेकर्स तक पहुँचती है और वे उसमें बदलाव करते हैं। वे आज जनता की भावनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर वे नहीं समझते तो उसके परिणाम भी वे देख पा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो हाँ, ये बातें फिल्म मेकर्स तक पहुंच रही है, बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। उसी प्रकार से हमने देखा था सम्राट पृथ्वीराज फिल्म जब रिलीज हुई थी, उस समय जिस प्रकार से उसमें बार 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 उर्दू शब्दों का उपयोग किया गया था, जबकि वो फिल्म आज से 1000 वर्ष पहले के समय पर आधारित थी, पर फिर भी उसमें जिस प्रकार से उर्दू शब्दों का उल्लेख किया था वो सच में बहुत ही ज़्यादा तर्कहीन था। मतलब कोई कोई लॉजिक ही नहीं था ना उसमें। एक 1000 वर्ष पहले के समय पर आप फिल्म बना रहे हैं और उस समय कम से कम आपको रिसर्च तो प्रॉपर होनी चाहिए ना कि उस समय लोगों की भाषा, एक दूसरे के साथ वे कैसे संवाद करते होंगे, बातचीत करते होंगे, बहुत ही फुहड़ता भरे भी कुछ ऐसे विचित्र से डायलॉग्स आदि थे जो बहुत ही ज़्यादा बचकाने थे, तो लोगों ने उसकी आलोचना की थी। और भी आजकल हम देखते हैं कि पिछले लगभग 2-3 वर्षों से लोग इन बातों की आलोचना कर रहे हैं कि किस प्रकार से बॉलीवुड लगातार जो संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी है उसका अपमान करता है। पिछले कई दशकों से ये होते आ रहा था, पर अभी कम से कम सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा शुरू हुई है। तो इसका परिणाम अभी हम देख रहे हैं कि PS1 पुन्नियन सेल्वन 1 जो रिलीज हो रही है इस हफ्ते शुक्रवार को थिएटर में, तो उसके एक प्रमोशनल इवेंट में इस बात का स्पष्टता से उसके मेकर्स ने ये उल्लेख करवाया कि हमने इसका पूरा ध्यान रखा है कि आज से 1100 वर्ष पहले के समय पर यह फिल्म आधारित है, चोल राजवंश के गौरवशाली इतिहास को इसमें दिखाया जाने वाला है, तो इसमें हमने जितना हो सके उतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, उर्दू का प्रयोग नहीं किया। हालांकि जो कुछ सॉन्ग्स हमने देखे फिल्म के, उनमें बहुत ज़्यादा उर्दू का उपयोग किया गया है, जो कहीं से भी आज से 1100 वर्ष पहले के समय की फिल्म की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं लगते। पर कम से कम फिल्म को लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हमने जितना हो सके उतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। बाकी देखते हैं फिल्म रिलीज होने के बाद वो क्या होता है। इसके साथ ही जो फिल्म के मुख्य एक्टर है विक्रम, उन्होंने भी हमारे इतिहास का गौरव किया है उस प्रमोशन इवेंट में। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद से द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को प्रमोट करने वाले कुछ मैं देखा फेसबुक पर पेजेस वगैरह वे शायद इस बात से दुखी है, या उनके कुछ ऐसे पोस्ट आए हैं जो बहुत ही तर्कहीन लगते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पर उससे पहले जो उर्दू और हिंदी को लेकर जो बात उस प्रमोशन इवेंट में कही गई वो वीडियो आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे कोशिश ये रही कि जो भूले बिसरे शब्द हैं, जैसे कि गुप्तचर जैसा शब्द है, हम अंगूठी बोलते हैं, मुद्रिका जैसा शब्द है, कहीं पे किसी को रिक्वेस्ट करना है तो अनुरोध जैसा शब्द है, और उनको ऐसे लाया जाए कि वो टीवी सीरियल जैसे ना लगे, वो लगे कि हम 10वीं शताब्दी में पहुँच के, क्योंकि वहाँ की भाषा तो हम पकड़ नहीं सकते थे, तो हम 10वीं शताब्दी में पहुँच गए हैं और यहाँ से एक हिंदी फिल्म की तरह उसको देख रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों को कुछ नई बातें हिंदी को लेके मिलेंगी। दूसरे, आप जब देखेंगे तो आपको वो बिल्कुल वैसा, जो उस समय के जो शब्द आपको उर्दूदा उसमें नहीं दिखाई पड़े, नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो हमने उसको पूरी कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी से हिंदी को बरता जाए। अब हम आते हैं फिल्म के मुख्य कलाकार, मुख्य एक्टर विक्रम, उन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर जो बातें कही उस प्रमोशनल इवेंट में, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए। Do we know that we all go to the pyramids? We go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, "We are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over, and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand, and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp, which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants, and people, 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes.
You know what happens when an earthquake comes without plaster? What they have done is they have an outer wall. Then inside that, they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor. And then they have another structure inside, which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after queen? And they've had hospitals, free hospitals, and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry, I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century, all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture. Think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians. And we need to feel proud about that. England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you. Thank you. Manisha, I need water, please. और ये इसका प्रमाण है कि देश में एक कैसे बदलाव की लहर हम देख रहे हैं. आज से पहले तक हम देखते थे जो द्रविडियन पॉलिटिक्स वगैरह की जो प्रमोट करते हैं उसको, वे किस प्रकार से ये कहते हैं कि भाई जो हिंदू संस्कृति है वो तो आर्यंस यहाँ पर लेकर के आए थे. जो आर्यन इन्वेजन की जो झूठी थियरी है, जो ब्रिटिशों ने यहाँ पर साउथ और नॉर्थ में हमें बांटने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसे स्प्रेड किया था, झूठी उस आर्यन इन्वेजन थियरी को, आज भी कुछ लोग उसे सच मानते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो हिंदू संस्कृति है वो तो आर्यंस यहाँ पर लेकर के आए थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो तो विदेशी मानते हैं, और बहुत सारी बातें कही जाती है. पर अगर हम इतिहास को अगर देखें तो चोल साम्राज्य के राजाओं ने ही वैष्णव मंदिर भी बनाए थे और शैव मंदिर भी बनाए थे. कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है वो वैष्णव मंदिर है और उसे चोल साम्राज्य के राजाओं ने ही बनाया था. चोल साम्राज्य हो, चालुक्य हो, पलवाज हो, राष्ट्रकूट राजा हो, हिंदू राजा हो, उन सभी ने पूरे हम एशिया में अगर हम देखें तो कई सारे बड़े बड़े भव्य ऐसे मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया था. तो भी आज से हज़ार, डेढ़ हज़ार, दो दो हज़ार वर्ष पहले. पर इस इतिहास के बारे में हमारे पाठ्य पुस्तकों में कहीं पर भी कोई ज़्यादा उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता. इस महान वास्तुकला का हमारा जो इतना समृद्ध इतिहास है उसके बारे में भी कभी हमें उस गौरव के साथ में पढ़ाया नहीं जाता. आज मैंने देखा एक द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को प्रमोट करने वाला एक फेसबुक पर पेज है, उन्होंने एक बड़ा ही अतार्किक ऐसी पोस्ट उन्होंने की, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ. तो ये अभी कुछ घंटों पहले ही की गई पोस्ट है. इसमें उन्होंने जो महाराष्ट्र के संभाजीनगर में, जिसका पहले नाम औरंगाबाद था, तो महाराष्ट्र के संभाजीनगर में जो कैलाश मंदिर है, जिसे पूरा एक पर्वत को, एक पूरे एक बहुत बड़े ऐसे पत्थर को तराश कर उसमें से पूरा मंदिर किस प्रकार से बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य हम जिसे कह सकते हैं, जो आज के समय में इतनी सारी मशीनरीज, इतने सारे जो भी तकनीक आज उपलब्ध है उसका उपयोग करके भी ऐसा मंदिर दोबारा से बना पाना असंभव है. तो इस मंदिर के बारे में इस पेज पर लिखा गया है कि दिस इज द्रविडियन आर्किटेक्चर यू संगी मोरॉन्स, डोंट पुट योर सनातन स्टिकर एवरीवेयर, सनातन मीन्स बमेन एंड बमेन ओनली. संभाजीनगर का वो जो कैलाश मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के हिंदू सम्राटों ने, सबसे मुख्यतः जो महाराजा कृष्ण प्रथम थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था. और द्रविड़ जो शब्द आता है ना, वो भी हमारे ही संस्कृति का ही एक शब्द है, जिस भूभाग को तीनों बाजुओं से, तीनों तरफ से समुद्र से जो भूभाग घिरा हुआ है उस भूभाग को द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ कहा जाता है वहाँ रहने वाले लोगों को. तो
वो भी हमारे ही कल्चर का इतिहास है। ये जो आर्यन इन्वेजन जो झूठी थियरी ब्रिटिशों ने यहाँ पर लाकर हमें साउथ और नॉर्थ में बांटने का प्रयास किया, जिस आर्यन इन्वेजन थियरी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी झूठा कहा था, गलत कहा था, आज कम से कम हमें उससे बाहर निकलकर आपस में अपने आप को बांटना बंद करना चाहिए। क्योंकि कब तक हम उस गुलामी की मानसिकता में रहेंगे, जो बातें ब्रिटिशों ने यहाँ पर बताई उन्हीं बातों को लेकर आज भी हम आपस में वाद विवाद करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, ये कहीं पर तो बंद होना चाहिए। और ये जो झूठी सो कॉल्ड आर्यन इन्वेजन थियरी है वो तो इसी बात से झूठी सिद्ध होती है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं, और वहाँ के महान हिंदू सम्राटों ने केवल भारत में ही नहीं तो भारत से बाहर भी, जो एक अखंड भारत हम जिसे कह सकते हैं, या आज जो अलग अलग कई सारी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक उन्होंने मंदिर बनाए थे, हमारे कल्चर को उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया था। तो किसी ने बाहर से आकर यहाँ पर आक्रमण किया और वो हिंदू संस्कृति यहाँ लेकर के आए, ये तो कहीं पर भी इतिहास में हमें इसका कोई एक सिंगल प्रमाण भी देखने को नहीं मिलता। पर हमारे सम्राटों ने किस प्रकार से हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को पूरे विश्व भर में पहुंचाया, इसके कई सारे प्रमाण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और दक्षिण भारत से ही आदि गुरु शंकराचार्य जी हो, स्वामी रामानुजाचार्य जी हो, उन्होंने तो हमारे सनातन संस्कृति का कितना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया हुआ है। तो आर्यन, ये जो झूठी सो कॉल्ड आर्यन इन्वेजन थियरी है उसका कहीं पर भी कोई बेस ही नहीं बनता है। और अभी जो PS1 फिल्म आ रही है पुनियन सेल्वन 1, मुझे आशा है कि इस फिल्म के माध्यम से हमारे गौरवशाली इतिहास को उतनी ही भव्यता के साथ में, उतने ही गर्व के साथ में, गौरव के साथ में इस फिल्म में दिखाया गया हो। हालांकि अभी प्रमोशनल इवेंट में तो वे काफ़ी गौरव के साथ में इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी के प्रयोग की भी वे बात कर रहे हैं। ये देखकर मेरे मन में तो उत्सुकता जगी है इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों, आप कितने उत्सुक हैं PS1 को देखने के लिए, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।